गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जैसा भी समय समझे बेटा। आज है बेटा थंडरिंग थर्सडे, और इस थंडरिंग थर्सडे की इवनिंग में हम लोग बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं बत्रा सर का पेपर एनालिसिस फॉर जुलाई 21। तो बच्चों लोग कैसे हो आप, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं बेटा आपका होस्ट और दोस्त, आपका लाइफ कोच और मेंटर प्रोफेसर जेएस बत्रा, और सब लोग हैं बेटा हम लोग अनअकैडमी के अनप्रेसिडेंटेड अनबिलीवेबल अनमेथोडिकल प्लेटफॉर्म पे। और बेटा आज डिस्कस करेंगे जुलाई 21 का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर। फटाफट से चले हैं बेटा, आपके बत्रा सर खेलने के शौकीन खेलते हैं बेटा जर्सी नंबर 10 के साथ। तेंदुलकर की जर्सी का नंबर 10, बत्रा सर की जर्सी का नंबर 10, मैसी की जर्सी का नंबर 10, अनिर्बान रॉय भी आ गए हैं बेटा। ये 10 नंबर की जर्सी अनअकैडमी पे बड़ा कमाल करती है बेटा। नवंबर के लिए बैच शुरू हो चुके हैं बेटा, हम नवंबर के लिए बैच शुरू कर चुके हैं। बत्रा सर उसमें पढ़ा रहे हैं 12 से 2। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फटाफट बत्रा 10 कोड लगाइए और 1 महीना 3 महीना 6 महीना 12 महीना 14 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके फटाफट से पढ़ना शुरू करें बेटा, और अपने नवंबर की जर्नी को आसान करें। बत्रा सर का रोज का टाइम टेबल है बेटा 12 से 2 प्लस में, 4:30 से 5:30 बजे यूट्यूब पे, और 10:30 से 11:30 बजे बेटा स्पेशल क्लास में। इंपॉर्टेंट सीरीज जारी की थी जो 97% लगी है बेटा, आपके लिए नवंबर के लिए जारी करेंगे बेटा नवंबर में, क्योंकि एग्जाम दिसंबर में हो रहे हैं। 65 नंबर से ज्यादा पाने की स्कीम, जो कुछ समझना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है बेटा, एमसीक्यू से, फ्लो चार्ट से, और आईटीएसएम या ईएसएसएम को पढ़कर बेटा बत्रा सर के डिटेल एनालिसिस से ला सकते हैं 65 से ज्यादा नंबर। अनअकैडमी पे आने के बेटा 3 तरीके हैं, आप प्लस पे, आइकॉनिक पे या कॉम्बो पे आ सकते हैं। अंतर क्या है, प्लस पे बेटा आपको लाइव क्लासेस मिलती है, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस। वहीं आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट स्टडी मटेरियल, बत्रा सर के प्रिंटेड नोट्स भी मिला करते हैं बेटा आपको। आप बेटा बत्रा 10 कोड लगाते हुए अनअकैडमी के वेबसाइट पे या अनअकैडमी के लर्नर ऐप पर आए, और 1 महीना 3 महीना 6 महीना 12 महीना 24 महीना जो आपको सूट करता है, मेरा आपको कहना रहेगा नवंबर के लिए 6 महीने, जिसमें हम एडिशनल 1 महीना दे रहे हैं बत्रा 10 कोड के कारण। और बेटा 12 महीने आप लेते हैं तो हम 2 महीने आपको एडिशनल दे रहे हैं बेटा, आप ले सकते हैं मई 2022 के लिए 12 महीने, नवंबर 2021 के लिए 6 महीने का कोर्स ले सकते हैं आइकॉनिक या प्लस। लेने के लिए बेटा आप डेबिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं और आपको मिलेगी मैक्सिमम अलाउबल छूट। तो कोड है बेटा बत्रा 10, जैसा आप देख रहे हैं बेटा मैं आपको कह रहा हूं कोड यूज करना है बत्रा 10। तो बेटा 6 महीने का वो लोग लें जिन्हें नवंबर में अपीयर होना है बेटा, नवंबर 21 14,175 में, और बेटा 12 महीने का वो लोग लें जो बेटा अपीयर हो रहे हैं मई 22 में। बत्रा 10 कोड आपको दिलाएगा मैक्सिमम अलाउबल छूट, क्योंकि मार्केट में 12 से लेकर 14,000 की तो बेटा एक पेनड्राइव आती है ईआईएसएसएम की, जो आपको व्यू देती है 1.3, 1.5, 1.7 पूना में, दिल्ली में, मुंबई में। हम बेटा उस एक पेनड्राइव की कॉस्ट में 8 सब्जेक्ट करा रहे हैं बेटा, अकाउंट से लेकर एफएमई को तक। तो देर किस बात की है बेटा, फटाफट बत्रा 10 कोड लगाएं और बत्रा सर और बाकी टीचर से पढ़ने का लाभ उठाएं। संडे के दिन बेटा कॉम्बैट है, जरूर पार्टिसिपेट करना, कोड आता है बत्रा 10। बत्रा 10 कोड से आपको 1 करोड़ के पूल में से इनाम जीतने का मौका मिलेगा। और बेटा ये मैं बाद में दिखाऊंगा अनअकैडमी के ऐप पर जब आप बने रहेंगे हमारे साथ में। चलिए शुरू करते हैं बेटा पेपर का एनालिसिस। 22 लोग लाइव हो चुके हैं बेटा, पर लाइक केवल 8 ही आए हैं, ऐसा क्यों? क्या आपको क्लासे पसंद नहीं है, या बेटा आप किसी के द्वारा भेजे गए हैं? फटाफट से बेटा लाइक बटन दबाएं, 22 लोग देख रहे हैं, लाइक केवल 8 हैं, तो बेटा ये मिसमैच क्यों है? फटाफट से लाइक बटन दबाएं बेटा। आप अपनी चॉइस से आते हैं बत्रा सर की क्लासेस करने के लिए तो लाइक बटन तो बनता है बेटा, ठीक है? जिस तरीके से मंदिर में प्रवेश करने पर घंटी बजाई जाती है, वैसे ही बेटा बत्रा सर की क्लास में प्रवेश करने पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, लाइक बटन दबाया करते हैं। फटाफट से दबाइए, चलिए शुरू करते हैं बेटा, चलिए शुरू करते हैं, आइए। ये बेटा एसएम पोर्शन है, दिस इज सेक्शन बी, दैट इज एसएम पोर्शन ऑफ जुलाई 21। देखिए बेटा क्या कहा गया है, पायल कैरियर सर प्लीज डिस्कस द क्वेश्चन। बिल्कुल बेटा डिस्कस करते हैं, आइए। क्वेश्चन पेपर कंटेन 5 क्वेश्चंस
क्वेश्चन सिक्स इज कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी थ्री आउट ऑफ फोर क्वेश्चन, चाहे पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, पहला सवाल सब जगह कंपल्सरी होता है, बाकी बचे हुए वैसे बेटा हमें सवाल करने होते हैं, तो एक सवाल की चॉइस मिलती है बेटा हमारे को। पायल जैथलिया मंथन शॉ आ गए बेटा, बिल्कुल वेलकम वेलकम बेटा। सवाल देखो क्या है बेटा, अलबेला फूड्स एंड जस्ट बी फूड्स आर सक्सेसफुली कंपीटिंग चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। दो बेटा फूड चेन है अलबेला और जस्ट बी। अलबेला आर नोन फॉर देयर इनोवेटिव अप्रोच विच हैज रिजल्टेड इन गुड रेवेन्यू, इनोवेशन के कारण उनको रेवेन्यू अच्छा मिलता है बेटा। ऑन द अदर एंड जस्ट बी इज स्लो इन रेस्पॉन्डिंग टू इन्वायरमेंटल चेंज, ये चार्ज गलत है बेटा, चेंज होना चाहिए CHANGE, इन्वायरमेंटल चेंज में स्लो है बेटा वो। द इनिशियल स्टेज ऑफ COVID-19 पेंडेमिक एंड द इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हैड एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन बोथ ऑफ द कंपनी, दोनों कंपनियों पे गलत बेटा इफेक्ट पड़ा है। रियलाइजिंग इट्स सिवियरिटी एंड फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज अलबेला फूड इमीडिएटली चॉक्ड आउट इट्स पोस्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी विच इंक्लूड इनिशिएटिव लाइस, ये बेटा क्या क्या किया इन्होंने, कॉन्टेक्ट लेस डाइनिंग बेटा, मतलब आप ऑर्डर देंगे तो बेटा ऑर्डर जब आप देंगे तब भी कॉन्टेक्ट लेस तरीका होगा, SMS के द्वारा कर लेंगे या बेटा दूर से खड़े होकर ऑर्डर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको मटेरियल की डिलीवरी की जाएगी तो बेटा वेटर दूर से ही आपको डिलीवर कर देगा। न्यू कैटेगरी ऑफ फूड इन द मीनू ऑफ बूस्टिंग इम्यूनिटी, कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बेटा आपको कुछ ऐसी चीजें खिलाई जाएंगी नए मीनू में। इंप्रूविंग सेफ्टी मेजर्स एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स, बेटा हाइजीनिक रखेंगे हम आपको कामों में। इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप, ऐप के माध्यम से हम डिलीवरी करेंगे बेटा। तो क्या किया उसने अलबेला ने, क्या किया बेटा, लॉकडाउन के बाद की स्ट्रेटजी को पहले से ही सोच लिया बेटा। तो आपको ये प्रोएक्टिव नहीं लगती बेटा, आपको ये प्रोएक्टिव नहीं लगती, जरा मुझे बताओ बेटा। चैप्टर नंबर वन में स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, पहले चैप्टर में बेटा, हमारे नोट्स में पेज नंबर 3 पे मैं भी दिखा दूंगा बेटा, पर पहले मुझे बताओ क्या आपको ये प्रोएक्टिव नहीं लगती है, बताइए बताइए बताइए, क्या आपको ये प्रोएक्टिव नहीं लगती है बताइए। सो इट इज प्रोएक्टिव बेटा, इट इज प्रोएक्टिव। 25 लोग देख रहे हैं बेटा लाइव, लेकिन 11 लाइक ही आए बेटा, फटाफट से लाइक बटन दबाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीइंग द पॉजिटिव बज अराउंड दीज मेजर टेकन बाय अलबेला फूड, अलबेला ने ये स्टेप उठा लिए। जस्ट बी फूड ऑल्सो थिंक टू इंट्रोड्यूस, वो बेटा करना चाहते हैं, तो बेटा करना चाहते हैं तो ये रिएक्टिव हो गए, ये इनको देखा देखी करना चाहते हैं, ये इनको देखा देखी करना चाहते हैं तो ये रिएक्टिव हो गए बेटा। जस्ट बी उनको देखा देखी करना चाहता है, ठीक है, थिंक टू इंट्रोड्यूस करना चाहता है, रिएक्टिव हो गया बेटा, रिएक्टिव हो गया, ठीक है। तो बेटा अब क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टेकन बाय अलबेला एंड जस्ट बी, तो अलबेला की प्रोएक्टिव है और जस्ट बी की रिएक्टिव है बेटा, बात समझ में आई क्या। जो बेटा पहले से ही सोच ले वो प्रोएक्टिव होता है, जो बेटा दूसरों को देख के बाद में रिएक्ट करे अडॉप्ट करे उसे बेटा अपन रिएक्टिव स्ट्रेटजी अडॉप्टिव स्ट्रेटजी कहते हैं। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये सबको समझ में आया है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, क्या आपको समझ में आया है, प्रोएक्टिव का मतलब होता है पहले से सोच के लागू करना, और रिएक्टिव होता है दूसरों को देख के उन स्टेप को फॉलो करना। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। वर्षा कमल मंथन अनिबार अनिर्बान बेटा बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया, अभिलाष रमानी को समझ में आ गया, वेरी गुड, वर्षा को आ गया, कमल शर्मा को आ गया, मंथन अनिर्बान बेटा फटाफट बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया।
राजू सिंह लेट आया भाई, 10-10 मिनट लेट आएगा तो कैसे पढ़ेगा रे। शिवानी को भी समझ में आया, चलो आगे आगे आए। डिस्कस दीज स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस, तो बेटा प्रोएक्टिव का मतलब होता है मार्केट की स्थितियों को देखते हुए पहले से ही सोच लेना। जैसे बेटा इन्होंने सोचा कॉन्टेक्टलेस डाइनिंग करेंगे, इम्यूनिटी बूस्टअप करने के फूड देंगे, सेफ्टी मेजर्स और हाइजीनिक स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, और बेटा क्या करेंगे ऐप को लॉन्च करेंगे। तो पहले से ही सोच के सब काम करना क्या कहलाता है? प्रोएक्टिव। और बेटा दूसरों को देख के अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करके चीजों को लागू करना उसे रिएक्टिव कहते हैं, उसे रिएक्टिव कहते हैं, उसे रिएक्टिव कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तीसरा कहता है बेटा विच स्ट्रेटेजिक अप्रोच इज बेटर एंड वाई, तो बेटा प्रोएक्टिव हमेशा ठीक रहती है, पहले से ही सोच के काम करना अच्छा रहता है। अगर बेटा किसी के काम हो जाने के बाद सोच के करोगे तब तक तो नुकसान हो जाएगा। सो प्री प्लांड स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव इज ऑलवेज गुड, इतना आपको लिख के आना था। तो बेटा ये छह नंबर होते आपके, ये छह नंबर पांच नंबर होते बेटा आपके, ये पांच नंबर का सवाल था बेटा, प्रोएक्टिव रिएक्टिव, और उसके बाद बेटा प्रोएक्टिव रिएक्टिव की डेफिनेशन, और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन लिखना था। बात आई के सबके समझ में? बोलो हां, बोलो हां, बोलो हां। सर क्या आपने इसको इंपॉर्टेंट बताया था? अभी देख लेते हैं बेटा, अभी देख लेते हैं। अभी देख लेते बेटा, हमने आपको अपने नोट्स में बताए थे बेटा, हमने आपको अपने नोट्स में बताया था ये। तो ये रहा बेटा मई 21 के लिए इंपॉर्टेंट बताया था, बिल्कुल बताया था बेटा। ये रहा मई 21 के लिए इंपॉर्टेंट बताया था, बिल्कुल बताया था बेटा। तो ये आ गया बेटा, स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव बेटा, ब्लेंड होता है। रतन टाटा का एग्जाम्पल देके भी समझाया था बेटा आपको। तो ये पेज नंबर 3 पे बेटा आप देख रहे हैं, आपके कोर्स में था बेटा ये, बत्रा सर ने इसको पहले से ही बता दिया था बेटा कि मई 21 में ये आएगा, और ये आया बेटा। ठीक है, मई तो नहीं कहना चाहिए बेटा, अब तो जुलाई हो गया है, मई तो कहना ही नहीं चाहिए इससे, अब तो जुलाई हो गया बेटा। हमने जब बताया था तब मई के लिए इंपॉर्टेंट था बेटा, लेकिन अब तो जुलाई हो गया, अब तो क्या हो गया बेटा ये जुलाई हो गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। पहला सवाल क्लियर हो गया सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद 15 कंपनीज एट द नेशनल लेवल। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो बेटा 15 और कंपनियों के साथ नेशनल लेवल पे क्या कर रही है बेटा, कंपीट कर रही है। ट्रोल कॉमर्स कह रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा ट्रोल कॉमर्स। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 15 और कंपनियों के साथ में कंपीट कर रही है बेटा नेशनल लेवल पे। हेड ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ दिस कंपनी विशेस टू स्टडी द मार्केट पोजिशन ऑफ राइवल कंपनीज, वो बेटा स्टडी करना चाहती है। ग्रुपिंग दैम इन टू लाइक पोजिशन, नेम द टूल दैट मे बी यूज बाय हिम और हर। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग से ऐसा होता है बेटा। एक्सप्लेन द प्रोसीजर बाय विच टू इंप्लीमेंट द टेक्निक बेटा। तो इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। क्या नाम है बेटा इसका? स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग नाम है। चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 11 पे है बेटा, जब हम लोग वीकेस्ट, मॉडेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट को अलग अलग बेटा ग्रुप में रखते हैं। हमने बेटा आपको एग्जाम्पल दिया था टेलीकॉम का कि बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप में आप रखेंगे किसको? एयरटेल को, जियो को, वोडाफोन आइडिया को, और बेटा वीक में आप रखेंगे बीएसएनएल और एमटीएनएल को। इस तरीके से हम स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करेंगे ताकि लाइक कंपनियों की जिनका स्ट्रांग ग्रो है, मॉडेस्ट है, वीक है, उनको बेटा अपने अपने ग्रुप में अध्ययन कर सकें। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग पेज नंबर 11, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग पेज नंबर 11 बेटा।
तो देखें अपन पेज नंबर 11 पे स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग को। ये रहा बेटा आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट। हमने इंपॉर्टेंट बताया था, बिल्कुल बताया था बेटा। ये देखो जुलाई में आया बेटा, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट बेटा। इसके लिए स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करते हैं हम लोग। द स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग विच इज द यूजफुल एनालिटिकल टूल फॉर कंपेयरिंग द मार्केट पोजिशन ऑफ ईच फर्म सेपरेटली और फॉर ग्रुपिंग दैम लाइक पोजिशन वेन इंडस्ट्री हैज सो मेनी कॉम्पिटिटर्स बेटा। जैसे वीक के लिए बेटा बीएसएनएल एमटीएनएल ग्रुप कर दिया, स्ट्रॉन्ग के लिए बेटा जियो एयरटेल वोडाफोन कर दिया। तो बेटा इस तरीके से हम स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 11 बेटा हमारे नोट्स में पेज नंबर 11 पे है, हमने आपको आंसर बताया था बेटा। ये एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट बताया था, एग्जाम में आया है। पहला भी बेटा हमने पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव इंपॉर्टेंट बताया था, एग्जाम में आया बेटा। और इसको भी हमने मार्क कराया था एग्जाम के लिए बेटा, और ये भी एग्जाम में आया है। इसीलिए बेटा मैं कह रहा हूं बत्रा सर जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं तो आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। 97% पेपर इस बार उसमें से आया है। मैं बेटा मॉडेस्ट होकर हमेशा कहता हूं 60 से लेकर 90% पेपर तो आएगा बेटा, लेकिन आता हमेशा 90 के ऊपर ही है और ऐसा लगातार हो रहा है बेटा। आप हमारे इन वीडियोस को जो कि एग्जाम से बहुत पहले इंपॉर्टेंट के तौर पे बेटा यूट्यूब पे डाल दिए जाते हैं उनसे चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बेटा। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया बेटा। 1 month प्रायर टू एग्जाम, 1 महीना पहले ही बता देते हैं। इस बार हम November 1st week में दे देंगे क्योंकि बेटा एग्जाम आपके दिसंबर से पहले होने नहीं है, तो आप पाएंगे 1 महीना पहले इंपॉर्टेंट आ जाएंगे आपके पास में। चलिए अगला सवाल करते हैं बेटा, अगला सवाल, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर डिफरेंट इन नेचर देन ऑल अदर डिसीजन, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द मेजर डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन। मेजर डायमेंशन बताओ स्ट्रैटेजिक डिसीजन की। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था बेटा टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, है ना, वही आपको रिसोर्सेज दिया करते हैं, इसका मल्टी फंक्शन मल्टी जो है वो डिविजन कॉन्सिक्वेंसेज होता है। ये आपने पढ़े थे नहीं पढ़े थे बेटा, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 33 पे 6-7 डायमेंशन थी, 6 डायमेंशन थी राधर, कितनी डायमेंशन थी बेटा 6 डायमेंशन थी चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 33 पे बत्रा सर के नोट्स में से बेटा। रेहान सूरी कहता है अंदर के एक्सप्लेनेशन में आपने अपने वर्ड लिखे हैं बेटा, आपने हमारे वर्चुअल टेस्ट दिए हैं उसके हिसाब से बेटा आपको नंबर मिलेंगे, आपको पता है आप जैसा लिखेंगे उसके हिसाब से नंबर आएंगे बेटा, ठीक है। आपको हमने बताया हुआ वर्चुअल टेस्ट में आप जब लिखते हैं तो हम कितने नंबर देते हैं आपको। तो देखें बेटा पेज नंबर 33 पे कहां है, ये पेज नंबर 33 पे कहां है देखें, तो बेटा देखो मई 21 के लिए मार्क किया हुआ, बिल्कुल किया हुआ बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क किया था। और ये सवाल आ गया बेटा आपका जुलाई 21 में, ये आ गया जुलाई 21 में बेटा। 6 डायमेंशन होती है देखो, मेजर डायमेंशन। द स्ट्रेटेजिक डिसीजन रिक्वायर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिक डिसीजन नेसेसिटेट कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, strategic decisions are likely to have a significant impact on the long term prosperity, they are future oriented and they have major multifunctional and multi business consequences। ये 6 बेटा major dimension है, ये 6 बेटा major dimension है। बात आई क्या सबको समझ में बेटा? पायल कह रही है रिजल्ट कब तक आएगा बेटा, ये चल रहा है जुलाई, तो बेटा अगस्त का महीना तो लग जाएगा, सितंबर में रिजल्ट आएगा बेटा, सितंबर में रिजल्ट आएगा बेटा आपका, ठीक है। चलिए समझ में आ गया सबको बेटा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो बेटा ये सवाल भी बत्रा सर ने इंपॉर्टेंट बताया और ये सवाल भी बेटा एग्जाम में आया, तो अब तक जितना बताया बेटा सब एग्जाम में आया। 30 लोग लाइव देख रहे हैं बेटा, लेकिन लाइक बड़े कम दिए बेटा, 17 लाइक ही दिए। फटाफट से लाइक की संख्या बढ़ाओ भाई, जितने लोग बाद में आए बेटा फटाफट से लाइक की संख्या बढ़ाओ। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। द सीईओ ऑफ अ टेक्सटाइल मिल इज कन्विंस्ड That is loss-making company can be turned around.
सजेस्ट एन एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है बेटा, चैप्टर नंबर 4 से पेज नंबर 50 पे बेटा, चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 50 बेटा, पांच स्टेज का एक्शन प्लान है बेटा, है ना। सबसे पहले एसेस करें प्रॉब्लम क्या है बेटा, फिर उसके लिए वर्केबल प्लान बनाएंगे बेटा, उसके बाद इमीडिएटली उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उससे रिजल्ट देंगे बेटा अपन, है ना। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी, पांच चीजें थी इसमें, पेज नंबर 50 पे टर्न अराउंड का एक्शन प्लान देखना है हमें, क्या इसको इंपॉर्टेंट बताया था हमने, क्या इसको इंपॉर्टेंट बताया था हमने पेज नंबर 50 पे। पेज नंबर 50 पे देखे बेटा, पेज नंबर 50 पे देखें बेटा, पेज नंबर 50, तो बेटा ये रहा पेज नंबर 50 पे एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। ये बेटा बत्रा सर ने बताया था देखो इंपॉर्टेंट जुलाई के लिए, और ये बेटा आया है फाइव स्टेजेस ऑफ एक्शन प्लान बेटा। माइक्रोमैक्स का हमने और नोकिया का एग्जांपल दिया था बेटा, माइक्रोमैक्स और नोकिया का एग्जांपल दिया था हमने आपको बेटा। पहली स्टेज आपके पुराने फोन है बेटा, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। स्टेज नंबर 2 एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप ए प्लान बेटा, मॉडर्नाइजेशन करो स्मार्टफोन बनाओ बेटा। एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप ए स्ट्रेटेजिक प्लान। उसके बाद स्टेज 3 इंप्लीमेंट द इमरजेंसी एक्शन प्लान, पैरेलल बनाओ बेटा फीचर फोन और मोबाइल फोन भी स्मार्ट वाले। स्टेज 4 रीस्ट्रक्चर द बिजनेस बेटा, स्विच करेंगे बेटा अपन फीचर फोन बनाने से स्मार्टफोन पे, प्रोडक्ट मिक्स में चेंज करेंगे। स्टेज नंबर 5 रिटर्निंग टू नॉर्मल, प्रॉफिट आने चाहिए, आरओआई आना चाहिए। पांच स्टेज का है बेटा एक्शन प्लान, कितने स्टेज है बेटा इसमें, पांच स्टेज है। स्टेज 1 असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, स्टेज 2 एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, स्टेज 3 इंप्लीमेंटेशन, स्टेज नंबर 4 रीस्ट्रक्चरिंग, स्टेज नंबर 5 बेटा रिटर्निंग टू नॉर्मल। बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो बेटा ये बत्रा सर ने इंपॉर्टेंट बताया था और एग्जाम में आया है। 97% पेपर बेटा बत्रा सर ने जो इंपॉर्टेंट बताए थे एक महीना पहले, है ना, वो बेटा एग्जाम में आए हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं बेटा, अगला सवाल करते हैं, आइए आइए करते हैं बेटा अगला सवाल, यह भी आ गया। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अपॉन ए कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो बेटा कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप को एक्सप्लेन करना है, पांच चीजें कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप में, यह बिजनेस एनालिसिस होता है बेटा। सबसे पहले अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटेटर, पतंजलि के एग्जाम्पल से समझाया था हमने बेटा, पतंजलि के डायरेक्ट कॉम्पिटेटर कौन कौन है बेटा जो उसे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देते हैं, डाबर है, हमदर्द है बेटा, एचयूएल है ना, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो उसके डायरेक्ट कॉम्पिटेटर है। फिर उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी बेटा वीकनेस क्या है, पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर। ये पांच चीजें हमने करी थी बेटा चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 9 पे, चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 9 पे हमें मिलेगा बेटा कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 9। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सबको, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 9 तो देखेंगे बेटा अपन, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 9। तो हमने पतंजलि में किया था बेटा, ये रहा बेटा कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, हमने इसे इंपॉर्टेंट बताया था मई के लिए, जुलाई में पूछ लिया गया बेटा, जुलाई में पूछ लिया गया, बताया था हमने क्या है बेटा ये एक बिजनेस एनालिसिस होता है, पांच चीजें जानने के लिए जो कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। स्टेप्स क्या होते हैं, आइडेंटिफाई द कस्टमर, तो पतंजलि के एग्जांपल से समझाया था, एचयूएल, आईटीसी, हमदर्द, डाबर इसके कॉम्पिटेटर है। दूसरा बेटा अंडरस्टैंड द कॉम्पिटेटर, उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है, डिटरमाइन देयर स्ट्रेंथ, उनकी फाइनेंशियल पोजिशन, कॉस्ट प्राइस एडवांटेज, वॉट दे आर लाइकली टू डू नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उनकी रिसोर्स स्ट्रेंथ बेटा, और उसके बाद वीकनेस पता करेंगे कहां वो पुअर है। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ रख के देखेंगे क्या ये इंफॉर्मेशन ल्यूक्रेटिव है हमारे एंट्री करने के लिए इस बिजनेस में बेटा। बिल्कुल, ये एग्जाम्पल करवाया था हमने और ये एग्जाम्पल एग्जाम में आ गया बेटा, ये आ गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट बताया था और ये भी एग्जाम में आया है ईआईएस की तरह।
हर सवाल जो इंपॉर्टेंट बताया वो बेटा एग्जाम में आया। चलो आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर मैनी कंपनीज इन द मार्केट ऑफरिंग कोविड वैक्सीन। कई लोगों की कोविड वैक्सीन आ रही है बेटा। भारत में किसकी आ रही है? भारत में बेटा एक तो कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है, इसके अलावा मॉडर्ना की है, फाइजर है बेटा, है ना, इसके अलावा स्पूतनिक है, ऐसी कई सारी अपने पास में बेटा वैक्सीन है, ऐसी कई सारी वैक्सीन है बेटा, है ना, मॉडर्ना की है, स्पूतनिक है, कोविशील्ड है, और बेटा कौन सी हमारे पास में, और कोवैक्सीन है, ठीक है। एनालाइज द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। तो बेटा ये चार कंपनियां ऑलरेडी है, अब किसी और कंपनी की भी आती है तो बेटा वो थ्रेट कहलाएगी इनके लिए। नया आने वाला बेटा क्या करता है? नई स्कीम लेके आता है, नई प्राइसिंग लेके आता है, नई सर्विसेज लेके आता है, नए प्रोडक्ट फीचर लाता है। तो कोविड वैक्सीन में जो नई आएगी वो नेचुरली अपनी कुछ नई चीजें लाएगी जिसके कारण एग्जिस्टिंग को थ्रेट होगा। तो बेटा हमें माइकल पॉटर, पॉटर दादा का न्यू एंट्रेंट और थ्रेट समझाना है बेटा, हमें समझाना है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। क्या समझाना है बेटा? हमें समझाना है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। पेज नंबर 56 पे बेटा, पेज नंबर 56 पे है, चैप्टर 5 में, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बेटा। तो हम देखेंगे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट को, देखो देखो भाई देखो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, देखो पेज नंबर 56, अब तक 56 देखेंगे हम, अब तक 56। तो ये रहा बेटा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। हमने जुलाई के लिए इंपॉर्टेंट बताया था, बिल्कुल बताया था बेटा, एग्जाम में आया है, बिल्कुल एग्जाम में आया है। देखो बेटा हमने थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट को जुलाई के लिए इंपॉर्टेंट बताया था और ये मार्क किया हुआ बेटा और ये आया है, ठीक है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बताना है बेटा। तो कोई भी एक नई वैक्सीन आती है तो बेटा वो क्या करती है? एक चुनौती पेश करती है। ये हमने बताया था बेटा आपको, ये हमने बताया था। तो बेटा कोवैक्सीन और कोविड 19 के संबंध में इसे हमें एक्सप्लेन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। What are the issues to be resolved by business enterprise to have an effective logistic strategy? कौन से ऐसे issues है जिन पे ध्यान देके या जिनका solution करके हम enterprise को logistic strategy की मदद से लाभ दे सकते हैं बेटा? आपको ध्यान हो तो कई factor discuss किए थे हमने, है ना, हमारी manufacturing location क्या है, हमें delivery कहां देनी है, अपने vehicle होने चाहिए कि किसी और के vehicle होने चाहिए, and so on बेटा, ऐसे कई सारे बात की थी हमने chapter number 6 में, पेज नंबर 74 पे ये सारे इश्यूज एक एक करके बेटा हमने रिजॉल्व किए थे। तो चैप्टर नंबर 6 देखें बेटा, इसे इंपॉर्टेंट बताया है क्या हमने? पेज नंबर 74 पे चैप्टर 6 में देखें बेटा अपन, लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी को इंपॉर्टेंट बताया था, बिल्कुल बताया था बेटा, एग्जाम में आई है, बिल्कुल आई है बेटा। तो कौन से सवाल थे ये देखो बेटा, ये एग्जाम में बताया था, इंपॉर्टेंट आ गया। इफेक्टिव लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी विल फाइंड द सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग सिचुएशन बेटा। पहला सवाल, एट विच प्लेस द रॉ मटीरियल एंड कंपोनेंट्स आर अवेलेबल, वो हमारी फैक्ट्री से कितना दूर है ताकि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का पता चले। नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन इन देयर प्लेसेस, भारत में या दुनिया में आप कहां कहां प्रोडक्शन प्लांट लगाए हुए हैं जहां प्रोडक्शन करते हैं। व्हाट प्रोडक्ट्स आर बीइंग मेड एट दीज लोकेशन, मैंने बेटा टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल लेके समझाया था आपको ये कि बेटा पंतनगर में क्या बनता है, नोएडा में क्या बनता है, सानंद में क्या बनता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर वेयर प्रोडक्ट, आप रोड रूट यूज करते हैं, रेल रूट यूज करते हैं, सी रूट यूज करते हैं, एयरवेज यूज करते हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज, मटीरियल हैंडलिंग प्रोसेस, ओन व्हीकल वर्सेस लीज व्हीकल बेटा, इन सब सवालों के हमें जवाब ढूंढने पड़ेंगे।
इन सब सवालों के हमें जवाब ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके बेटा हम एक अच्छी लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी से किसी ऑर्गेनाइजेशन का भला कर पाएंगे। तो ये बेटा जवाब लिखना था आपको, ये भी इंपॉर्टेंट बताया बेटा आपको, और ये भी एग्जाम में आया, ये भी एग्जाम में आया। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कौन सा है? Entrepreneur is an individual who conceives the idea of starting a new venture. In the light of this statement, discuss who is entrepreneur. अरे ये तो important बताया था, मुझे भी याद है बेटा। Entrepreneur वो होता है जो risk लेके business करता है। Entrepreneur वो होता है जो creative होता है। Entrepreneur वो होता है जो बेटा अपने idea को startup के तौर पे बनाता है। Entrepreneur वो होता है जो market से पैसा लाता है, अपने business में डालता है और risk लेता है बेटा। इसको कहते हैं entrepreneur। पेज नंबर 91 पे चैप्टर नंबर 7 में हमने इंपॉर्टेंट बताया था इसको, ये तो मुझे भी याद है बेटा, ये तो मुझे भी याद है। तो ये रहा बेटा 91। हाँ, हमने बताया था बेटा एंटरप्रेन्योर और इंट्रप्रेन्योर में से कुछ आ सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था बेटा। तो कौन है एंटरप्रेन्योर, देखें ये रहा, ए एंटरप्रेन्योर इज वन हु, तो बेटा ये हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, देखो एग्जाम में आ गया है। क्या बताया था बेटा? इनिशिएट एंड इनोवेट ए न्यू कंसेप्ट, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। रिकॉग्नाइजेज एंड यूटिलाइजेज अपॉर्चुनिटी, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अरेंजेस एंड कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज, मैन मशीन मटेरियल मनी, उसको कहते हैं। फेसेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, उसको कहते हैं। एस्टैब्लिशेस स्टार्टअप कंपनी, इसको कहते हैं। एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस, इसको कहते हैं। टेक डिसीजन टू मेक ए प्रोडक्ट और सर्विस प्रॉफिटेबल, इसको कहते हैं। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, इसको कहते हैं बेटा। ऐसे सब आदमियों को जिनमें यह गुण होते हैं एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, मालिक कहा जाता है, काम को शुरू करने वाला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बताया था बेटा, आया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट बताया था, आया है एग्जाम में। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट। डिस्कस वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन बिजनेस प्रोसेस रीजनिंग व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द बीपीआर, बीपीआर को लागू करने के स्टेप्स बताओ। तो बीपीआर को लागू करने के 6 स्टेप होते हैं बेटा, बीपीआर को लागू करने के 6 स्टेप होते हैं, आपको पता है बेटा। पेज नंबर 103 पे चैप्टर 8 में बेटा, है ना। और अगला है रिचर्ड रूमेल्ट का क्राइटेरिया पे शॉर्ट नोट लिखो। रिचर्ड रूमेल्ट के क्राइटेरिया होते हैं 4, कंसिस्टेंसी, कॉन्सोनेंस, फिजिबिलिटी एंड एडवांटेज, सीसीएफए। ये पेज 100 पे बेटा। तो रिचर्ड रूमेल्ट और बीपीआर के स्टेप, दो ही बेटा सवाल है, देखते हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट बताए क्या 100 और 103 पेज पे बेटा। जरा देखें पेज नंबर 100 और 103 पे ने इंपॉर्टेंट बताया है क्या हमने, आ जाओ बेटा देख लेते हैं 100 और 103 पे। तो देखें बेटा 100 और 103 पे, पहले देखते हैं रिचर्ड रूमेल्ट 100 पे, 4 क्राइटेरिया, कंसिस्टेंसी, कॉन्सोनेंस, फिजिबिलिटी, एडवांटेज, 4 पॉइंट बेटा। ये रहा रिचर्ड रूमेल्ट। अरे ये भी इंपॉर्टेंट बताया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट बताया हुआ है बेटा देखो रिचर्ड रूमेल्ट क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटेजिक ऑडिट 4 होते हैं बेटा। पहला होता है कंसिस्टेंसी बेटा, दूसरा होता है कॉन्सोनेंस, तीसरा होता है बेटा फिजिबिलिटी, सीसीएफए इसका एब्रीवेशन था बेटा। तीसरा होता है फिजिबिलिटी, चौथा होता है एडवांटेज, सीसीएफए। ठीक है, ये बेटा हमने बताया था पेज नंबर 100 पे, देखो पेज नंबर 100 पे है ये, ये रहा बेटा पेज नंबर 100 पे है, ये रहा बताया बेटा हमने आपको, पेज नंबर 100 पे है। अगला वाला 103 पे बेटा, बीपीआर इंप्लीमेंटेशन 103 पे बेटा, ये रहा इंपॉर्टेंट बताया था, बिल्कुल बताया था बेटा, ये भी आया है इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीपीआर इन द ऑर्गेनाइजेशन बेटा, आपको यह भी इंपॉर्टेंट बताया था बेटा, और यह भी आया है, यह भी इंपॉर्टेंट बताया था बेटा, यह भी आया है। 5 स्टेप है बेटा। पहला, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, अन अकेडमी का उदाहरण लेके बताया था बेटा, फेस टू फेस क्लास को ऑनलाइन में चेंज कर दिया बेटा हमने। आइडेंटिफाई द कस्टमर एंड देयर नीड, स्टूडेंट क्या चाहते हैं बेटा,
स्टूडेंट चाहते हैं उन्हें अच्छा कंटेंट अच्छे टीचर पढ़ाए बेटा, और इसके लिए अन अकेडमी हिंदुस्तान भर से अच्छे टीचरों को एक जगह इकट्ठा करती है बेटा। स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, कमी क्या है उसकी, फॉर्मुलेट एंड रीडिजाइन द प्रोसेस। हमने ऐप बनाया, यूट्यूब पे क्लास दी और स्पेशल क्लास और प्लस दिया बेटा, इंप्लीमेंट कर दिया। आज बेटा आप इन सब की मदद से पढ़ रहे हैं बेटा, बत्रा सर पढ़ा रहे हैं, 12 से 2 प्लस पे पढ़ाते हैं, सब्सक्राइब किए बच्चों को। आज हमने बेटा उसमें ईआईएस पढ़ना शुरू किया, तो आप में से जो बच्चे नवंबर में तैयार करना चाहते हैं बेटा, आप सब लोग आ सकते हैं बेटा। वहां पे नवंबर के लिए कोर्स शुरू हो गया है बेटा, आज से ईआईएस पोर्शन हमने कर दिया है बेटा उसमें, तो आप आ जाएं और उसको बेटा आके अटेंड करें, देर मत करें, बत्रा 10 कोड लगाएं और आ जाएं बेटा। तो ये थे हमारा पूरा पेपर का डिस्कशन। बताओ क्या ये पेपर आपका आया होता नवंबर वालों, तो बेटा क्या आप इसे अच्छे से नहीं स्कोर कर सकते थे, मुझे बताएं बेटा, क्या आप इसे अच्छे से स्कोर नहीं कर सकते थे? सारे सवाल जो बेटा हमने बताए वो हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज से आए, तो बेटा 97% पेपर लगा है, और क्या चाहिए बेटा आपको। 97% पेपर इज फ्रॉम अवर इंपॉर्टेंट लिस्ट विच इज अवेलेबल इन आर नोट्स एज वेल एज इन बुक बेटा। आपको पहले से बता दिया गया था, आपको पहले से बता दिया गया था बेटा, 30 जून को हमने इंपॉर्टेंट लिस्ट जारी की थी और 18 जुलाई को आपका पेपर हुआ बेटा। करीब करीब 1.5 महीने बाद बत्रा सर ने जो कहा बेटा वो प्रूव हो गया, कि बत्रा सर जो हर बार कहते हैं वही पेपर आता है बेटा, जो कह दिया वो पेपर में आ गया बेटा। चलिए तो बेटा बताइए कैसा लगा आपको, कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए बेटा आपको कैसा लगा बेटा आज का ये सेशन पढ़कर आपको कैसा लगा। एकदम बढ़िया है, वर्षा ने कह दिया। राजू सिंह आप बताओ, अनिर्बान बताओ बेटा, बाकी बच्चे बताओ, जो भी बेटा अभी तक चैट बॉक्स में नहीं आए हैं फटाफट से बता दो कैसा लगा। अनिर्बान रॉय, मंथन शॉ, कमल शर्मा, राजू सिंह, फटाफट बताओ बेटा। राजू सिंह कह रहा है जी सर आपकी मेहनत है जो हम खुल के बोल सकते हैं कि हम सब कर सकते हैं और वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 31 लोग इस समय लाइव देख रहे हैं बेटा, 32 हो गए और 20 लाइक हैं, बड़े नाइंसाफी है बेटा। इसको फटाफट लाइक से भर दो बेटा, फटाफट लाइक से भर दो बेटा। इतना बढ़िया एनालिसिस कर दिया और तुमको बता दिया बेटा तुम्हारी स्थिति क्या है, और उसके बावजूद बेटा लाइक नहीं करते हो, इसका मतलब बेटा आप पसंद नहीं करते बेटा। बताइए 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 बेटा, फटाफट से बताइए। चलिए तो ये थी बेटा आज की बात बत्रा सर के साथ, ठीक है। अब बेटा बत्रा सर का अगला सेशन रात को है बेटा, 10:30 से 11:30 बजे। सर क्या करवाएंगे उसमें बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं हम नवंबर के लिए, आप उसमें आ सकते हैं। अगला सेशन बत्रा सर का रात को 10:30 से 11:30 बजे बेटा, आप आ सकते हैं उसमें, ठीक है, आप उसमें आ सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बेटा। तो आप लोग आ सकते हैं बत्रा सर का अगला सेशन रात को 10:30 से 11:30 बजे बेटा। किस पर है बेटा, अन अकेडमी ऐप पर, ठीक है, स्पेशल क्लास में। क्या कराएंगे बेटा, नवंबर 21 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो बेटा आज आना मत भूलिएगा 10:30 से 11:30 बजे, ठीक है। शुभम अरोड़ा आए हैं जोधपुर से, कैसा गया भाई शुभम तेरा पेपर, रात को 10:30 से 11:30 बजे अन अकेडमी ऐप पर स्पेशल क्लास में नवंबर 21 के लिए बेटा। कैसा गया शुभम बेटा आपका पेपर, जल्दी से बताएंगे मुझे। अगर आपने बत्रा सर का ये एनालिसिस देखा है तो आप बताएं बेटा कितना स्कोर कर पाएंगे आप। जोधपुर से जय हिंद, पहुंच गया बेटा तेरा जय हिंद शुभम अरोड़ा, जल्दी से मुझे बताएं बेटा, जल्दी से बताएं आपको ये एनालिसिस पढ़कर बत्रा सर से बेटा कैसा लगा, ये कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा।
बत्रा सर ने पूरा एनालिसिस कर दिया बेटा, ESSM पेपर फॉर जुलाई 21। बढ़िया हुआ है शुभम अरोड़ा का। अच्छा और कोई बच्चा बेटा आप कुछ कहना चाहता है तो बता दो बेटा। बिल्कुल बेटा, बीपीए इंप्लीमेंटेशन कराएंगे आज, आज हम उसमें बीपीए इंप्लीमेंटेशन कराएंगे। सही कहा बेटा आपने, पास होते ही मिर्ची बड़ा खाएंगे। अरे वाह क्या बात है। चलिए तो फिर आज इतना ही रखें हमारे बच्चों। चलिए आज बेटा फिर इतना ही रखते हैं अपन, ठीक है। तो बेटा बत्रा सर से पढ़िए और अपना ESSM और ITSM का सब्जेक्ट आसान बनाइए। आपके बत्रा सर पढ़ा रहे हैं बेटा इस सब्जेक्ट को पिछले 32 साल और 64 सी एग्जाम अटेम्प्ट से। 18 तारीख वाला एग्जाम बत्रा सर की लाइफ का 64th एग्जाम था। 200,000 से ज्यादा बच्चा पढ़ा दिया बेटा, 200 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक, 75 से ज्यादा रैंक पोजीशन 1, 2, 3 की। कौन कहता है इसमें स्कोर नहीं होता? पढ़को तो देखो बेटा बत्रा सर से, आप भी स्कोर करेंगे। 20,000 से ज्यादा बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट। बत्रा सर का कोड याद रख लो, बत्रा सर का ये कोड अनअकैडमी पे खुशियों का खजाना है। बत्रा सर की जादू की झप्पी प्रीमियम कोड टू गेट डिस्काउंट। बेटा मैं पढ़ा रहा हूं बेटा 12 से लेकर 2 बजे तक प्लस में, फटाफट से बत्रा 10 कोड लगाएं और 12 से 2 मिशन सक्सेस बैच में पढ़ने आ जाएं बेटा। रोज का समय है बेटा 12 से 2 प्लस पर, 4:30 से 5:30 यूट्यूब पर, और बेटा 10:30 से 11:30 रोज रात को बेटा स्पेशल क्लासेस में इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ। आप लोगों की इंपॉर्टेंट सीरीज नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगी क्योंकि आपके एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं बेटा। और 65 नंबर से ज्यादा कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसका तरीका बत्रा सर ने बताया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं बेटा। आने के 3 तरीके पता है आपको, प्लस है, आइकॉनिक है, कॉम्बो है, कोई एक लेके आ जाए बेटा। फर्क क्या है दोनों के बीच में मैंने बताया था। प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। और बेटा यहां मिलता है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर बेटा। तो देर किस बात का, फटाफट करिए बेटा। आप आ सकते हैं या तो अनअकैडमी के लर्नर ऐप के माध्यम से या बेटा वेबसाइट के माध्यम से। और बेटा क्या करेंगे, प्लस या आइकॉनिक में से किसी एक का चुनाव करते हुए 6 महीने या 12 महीने, नवंबर के लिए 6 महीने और बेटा मई 2022 के लिए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। कोड बत्रा 10 लगाने से मैक्सिमम अलाउबल छूट मिलती है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट या नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं बेटा। और इस तरीके से 6 महीने में एडिशनल 1 मंथ और 12 महीने में एडिशनल 2 महीने बेटा आप प्राप्त कर सकते हैं। 14,175 में आपको 8 सब्जेक्ट मिलते हैं या 18,225 में 1 साल में आपको पूरे 8 सब्जेक्ट मिलते हैं। बत्रा 10 कोड लगाना मत भूलिएगा बेटा, ये वो तरीका है जिससे आपको अनअकैडमी में मिलती है भारी छूट। और संडे के दिन पार्टिसिपेट करिए बेटा कॉम्बैट में। और आज के सेशन के लिए आप सबका बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ी संख्या में आते हैं बेटा बत्रा सर के सेशन को अटेंड करने के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ ईच अदर। शेयर दिस गुड वर्क टू अदर्स ऑल्सो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। थैंक यू।